हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है विवेक सैनी और आप देख रहे हैं वीवूज ऑटो व्लॉग्स। स्वागत है अमित सर आपका मेरे चैनल थैंक पे। यू थैंक यू, आपने बुलाया, यही क्या काम है। अच्छा अभी बताता हूँ आपको, अगर आप इंस्टा पे फॉलो कर रहे होंगे तो पता ही चल रहा होगा अमित जी आज एक्चुअली मेरे साथ में थे एंड वी वर ऑन द लॉन्च ऑफ ह्यूंडई वेन्यू। प्राइसिंग लाजवाब है, पहले मैं स्टार्टिंग कर लेता हूँ उसके डिजाइन से। डिजाइन इज फैंटेस्टिक, आपको बहुत हद तक ये फीचर्स इसके नोज या फिर पीछे के कैरेक्टर्स जो है वो काफी हद तक क्रेटा जैसे लगने वाले हैं, बट हाँ ओवरऑल अपीयरेंस एक नई आइडेंटिटी मिली है गाड़ी को, एक नई पहचान मिली है, नए इंजन्स, एक इंजन ऑप्शन जो है वो नया आया है। टायर प्रोफाइल भी यहाँ पर जो है वो 16 इंचेस के टायर्स के साथ में आती है। एंड आपको क्या अच्छा लगा सर इसके डिजाइन में? मुझे ओवरऑल डिज़ाइन बहुत अच्छा लगे। एक तो उन्होंने जो हेडलाइट के चारों तरफ रिंग बनाकर डे ऑडी टाइम रनिंग स्टाइल। लाइट दी है, ऑडी स्टाइल में भी बहुत चेंजेस हैं एक्चुअल हाँ में, हाँ लेकिन ये तो बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल पूरी बिल्कुल तरह से चारों तरफ जाके बंद हो गए। किसी समय बिल्कुल BMW की एंजल आईज बड़ी पसंद होती थी, अब ये रेक्टेंगुलर शेप में अच्छी लग रही है मुझे और बहुत ब्राइट भी है। दूसरी प्रोजेक्शन हेडलैम्प की लाइटें बहुत अच्छी थी, मैंने इसे बीच में जला और के देखा सबसे था। अच्छी बात कि फॉग लैम्प में भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हाँ, हैं, फॉग लैम्प में प्रोजेक्टर है, 215/16 टायर साइज है, टायर्स हैं। बहुत अच्छा डायमंड कट, इसके बड़े शानदार दिखते हैं। दूसरे कोई भी डायमंड कट में वो बात नहीं दिखती जो इसके डायमंड हाँ कट में ये दिखती सच्चाई है। है, पेंट ह्यूंडई क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपने पेंट पेंट क्वालिटी। क्वालिटी पे अगर हाँ फोकस करके, बहुत अच्छी है। रूफ रेल क्रोम डोर फिट एंड हैंडल्स भी है, फिनिश, फिट फिट एंड एंड फिनिश फिनिश तो जिसे आप लाजवाब, बिल्ड क्वालिटी कहते हैं, वो बड़ी शानदार वो थी तो इसकी। मतलब हाँ ऑब्वियसली कोई भी ऑब्वियन ही हिस्से को होती आप है हाथ लगाएं तो आपको लगता है कि आप एक अच्छी प्रीमियम प्रीमियम प्रोडक्ट कार पे। में है। हाँ भीतर की प्लास्टिक क्वालिटी, मुझे लगा कि था कि ये कार शायद 8 लाख से शुरू होगी और 13 लाख तक जाएगी, मैं मुझे ये भी पर्सनली मान के एक्सपेक्टेड बैठा था। ये था। और मैंने अपने वीडियो में भी लोगों को कहा था हाँ कि इसकी प्राइसिंग 8 लाख से शुरू होगी ऑलमोस्ट, या 7.5 लाख से होगी, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने सरप्राइज दिया है, 6 लाख रुपीज से स्टार्ट कर दिया। 6,50,000 रुपए से। तो अब लिटरली बहुत से लोग, विद्वान लोग ये भी मानते होंगे कि नेक्सॉन जो कि एक्चुअली इससे केवल 1,000 रुपए सस्ती है, बट आप उसके एक प्राइसिंग में एक बात बता दूं कि वो हैंडलिंग चार्जेस भी एड ऑन करते हैं 1,000-1,200 रुपए का। तो इस हिसाब से नेक्सॉन ऑन रोड थोड़ी महंगी पड़ सकती है, बट नेक्सॉन और इस के दोनों के प्राइसेस के अंदर बहुत डिफरेंसेस ये नजर आएगी कि नेक्सॉन का जो इंजन है वो ऑन डॉक्यूमेंट्स जरूर इससे ज्यादा पावरफुल है। वो 26 BHP जो है वो ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है कंपैरेटिवली 1.2 लीटर का कापा इंजन, हालांकि वो टर्बो चार्ज और 3 सिलेंडर है, इतना रिफाइंड नहीं है वो जितना ये वाला इंजन है, हाँ ये सच्चाई है। एंड इतना शायद NVH भी उसके नहीं, प्रॉपर वो नहीं है, इंस्टॉल्ड। एनवीए तो इतने अच्छे नहीं है। दूसरी हाँ बड़ी चीज़ है कि वो इंजन टर्बो चार्ज होने की वजह से एक खास RPM पे तो अच्छा पंच देता है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो टर्बो लैग की वापस समस्या है टर्बो, एक्चुअली। जैसे उसका किक होना बंद होता है, वो उसके बाद फिर नीचे वापस आता है, जिसको लोगों ने इतना शिकायत की कि हमें 100 के बाद वो पंच नहीं मिलता जो हमें 30 की स्पीड में मिलता है, वो पावर नहीं मिलती वहाँ पर। ये टर्बो नेचुरली फ्री हो जाता है एस्पिरेटेड सर ज़्यादा बेहतर रहेगा एक्चुअली। हाँ वो एक्चुअली। देखने वाली बात होगी सर, ये ड्राइव करने के बाद ही पता चलेगा। ऑन हाँ डॉक्यूमेंट्स तो अभी फिलहाल हम लोग नेक्सॉन को ही ज्यादा पावर ओरिएंटेड या ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन उसका मानते हैं। अगर यहाँ पे मैं नेक्सॉन की बात करूँ एंड प्राइसिंग की बात करूँ वेन्यू एंड नेक्सॉन की, तो दोनों में 1,000 रुपए का एक्स शोरूम का अंतर है फिलहाल। तो अगर हाँ एक्स मैं शोरूम की बात करें तो, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, इस पर 3 लाख किलोमीटर, सॉरी 3 इयर्स और थ्री एक्चुअली हाँ बेस्ट हाँ इन क्लास, वो थ्री बेस्ट इन क्लास वारंटी थ्री मिल इयर्स रही है। की अनलिमिटेड वारंटी है, हाँ दूसरा 3 इयर्स अनलिमिटेड रोड साइड असिस्टेंस है जो एग्जैक्टली कोई नहीं दे नहीं रहा है। देता, नहीं तो देता रोड साइड असिस्टेंस के अगर पैसे नेक्सॉन में जोड़ दे 3 साल के, तो वो तो महंगी बीस हो हजार रुपये जाएगी में उसकी कीमत हो जाएगी, तो एक्चुअली। वो 20 19 हजार महंगी होगी वो तो। और तीसरा अनलिमिटेड किलोमीटर, वो भी अनलिमिटेड गौर करना होगा, किलोमीटर एग्जैक्टली, जहां पर मारुति यहाँ पर 20,000 40,000 किलोमीटर चालीस की हजार किलोमीटर देती है देती 2 साल में, एक्चुअली। वहाँ यानी ये अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी। चीज मैंने फोर्ड एस्पायर में भी देखी थी, जब हाँ याद है आपको बिल्कुल, उसकी भी अनलिमिटेड किलोमीटर्स या फिर मेरे क्योंकि ख्याल जब में आप प्राइस को कंपेयर करते हो तो आपको बाकी चीजें भी कंपेयर करनी पड़ती हैं जो उस प्राइस में मिल रही मिल हैं। रहे हैं एक्चुअली। अब चलो इसके अंदर एक और नया इंजन आता है, ऑब्वियसली रॉयल्टी यहाँ पर ह्यूंडई जो है वो उस चीज की लेगी, और प्राइसिंग जो है वो यहाँ पर 8.21 लाख रुपीज आपको बेस वेरिएंट में देना पड़ेगा। इसका जो नया इंजन है यानी कि 1.0 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन, ये जो इंजन है वो नया इंजन है, ऑब्वियसली ह्यूंडई को से महंगा रखना था। एक्को स्पोर्ट की यहाँ पर बात करें तो ये 1.5 लीटर का ड्रैगन सीरीज का इंजन, वो 7.83 लाख रुपीज का पड़ रहा है, जो कि एक्चुअली 38,000 रुपए सस्ता है वेन्यू से। एंड लेकिन वेन्यू के 1 लीटर इंजन से, टर्बो हाँ एग्जैक्ट चार्ज टर्बो इंजन से चार्ज सस्ता इंजन है। से ठीक है। एंड XUV300 का भी अगर मैं यहाँ पर 1.2 लीटर का जो कि एक्चुअली टर्बो चार्ज इंजन है बिल्कुल,
उससे 31,000 रुपए ये महंगा है, यानी कि 7.90 लाख रुपीस। अगर आप ये परफॉर्मेंस देखोगे इस गाड़ी के इंजन लोअर वेरिएंट में, लोअर वेरिएंट हाँ, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट उल्टे काम ही है, टॉप एंड वेरिएंट में तो महंगा होगा। टॉप एंड में एक्चुअली भी 2 लाख रुपए महंगा बैठ रहा है अगर आप रोड कंडीशन में, हाँ हाँ नो डाउट ऑन रोड कंडीशन में, क्योंकि उसमें और चीजें भी है ना सर, फिर टॉप एंड में उसमें सेवन वो सेफ्टी ओरिएंटेड गाड़ी ज्यादा बन जाती है, डुअल सेफ्टी ओरिएंटेड बताइए, उसमें सिक्स सेवन एयरबैग, सेवन एयरबैग, इसमें भी सिक्स एयरबैग, सिक्स एयरबैग्स, उसमें डुअल डिस्क भी है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी है, ये सारी चीजें भी यहाँ पर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है तो इसमें दूसरे फीचर्स है, ब्लू कनेक्ट, ब्लू लिंक कनेक्ट है, जो नो डाउट वो इस सेगमेंट में है, इन पैरेलल है, है मतलब ये लोग अगर ब्लू लिंक फैसिलिटीज और बाकी सारी चीज फैसिलिटी देते तो कम से कम 1 लाख रुपए कीमत और बढ़ा देते, हाँ सच्चाई है, तो उस वो 1 लाख रुपए भी तो सस्ता है, तो ऐसी कई चीजें हैं जो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कराते हैं। एक्चुअली अगर हम यहाँ पर डीजल इंजन को यहाँ पर कंपेयर करें तो यहाँ पर डीजल में कॉम्पिटिशन है, हाँ जो डीजल बिकते भी है और डीजल में कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है क्योंकि ब्रेजा भी बढ़ जाती है यहाँ पर डीजल इंजन। यहाँ पर नेक्सॉन की मैं बात करूँ तो 7.49 लाख रुपीस की है, यानी कि 26,000 रुपए वो सस्ती पड़ती है इसके डीजल इंजन से, बेस वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में नेक्सॉन का जो डीजल इंजन है वो काबिले तारीफ भी है, बहुत अच्छा डीजल इंजन है, वो पेट्रोल की तरह नहीं है कि नाम बड़े दर्शन छोड़े, वो बहुत शानदार इंजन है, ठीक है। तो यहाँ पर 26,000 रुपए देके आप नेक्सॉन फिर भी डीजल में एक वैल्यू फॉर मनी साबित होती है इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन नेक्सॉन बहुत नेकेड गाड़ी है, कुछ भी नहीं उसके बेस वेरिएंट में। EcoSport on the other hand 8.43 लाख रुपीस की पड़ती है, जो कि 68,000 रुपए महंगी पड़ रही है इसके डीजल इंजन से, एंड XUV 300 8.49 लाख रुपीस जो कि 74,000 रुपए महंगी है, एंड Brezza 7.68 लाख रुपीस जो कि 7,000 रुपए सस्ती है। एक्चुअली मैं अगर स्पेसिफिकेशन वाइज देखें तो Brezza और Venue ये दोनों एक बराबर पीएस की पावर देते हैं, 90 पीएस दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेम पावर देते हैं, लेकिन हालांकि Venue का टॉर्क ज्यादा है, 224 Nm टॉर्क मिलता है, जबकि आपको यहाँ पे सिर्फ 200 Nm का टॉर्क मिलता है, तो वो ज्यादा है, लेकिन XUV 300 के इंजन से सर नहीं कंपेयर, वो अनपैरेलल टॉर्क देता है 300 Nm का, जो काफी सबसे ज्यादा टॉर्क ही, लेकिन जब ड्राइवेबिलिटी की बात आती है तो वो टॉर्क ज्यादा होने के बावजूद भी इको स्पोर्ट की ड्राइवेबिलिटी को मैच नहीं कर पा रहा है। हाँ, दोनों का हम भी चला चुके हैं और ये पाया है कि इको स्पोर्ट की ड्राइवेबिलिटी ज्यादा बेहतर है, वो गियर रेशियो की वजह से बेहतर है, क्योंकि उसका गियर रेशियो अच्छा, हालांकि वो फिगर वाइज तो 215 Nm कंपेटेबल विद 300 Nm से काफी कम होता है, और इसकी वजह से वो पावर में भले कम दिखता हो लेकिन वो पेपी ज्यादा फ्यूल होता है चलाते समय। Exactly. और रही बात इसकी नेक्सॉन की, नेक्सॉन का पावर भी अच्छी है, 110 पीएस और 260 Nm का टॉर्क, काफी बेहतर टॉर्क है। एग्जैक्टली मेरे हिसाब से डीजल वाइज अगर आप प्राइसिंग ठीक है, मतलब प्राइसिंग ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बड़ा इशू है, अगर ना ज्यादा ज्यादा है ना ज्यादा महंगी, सबसे सस्ती तो जरूर है यहाँ पर नेक्सॉन को छोड़ के, बट हाँ EcoSport एंड XUV 300 के जो पावर फिगर्स हैं या फिर उनकी जो ड्राइवेबिलिटी जिन चीजों के लिए वो फेमस है वो भी यहाँ पर अंतर पड़ेगा, और ड्राइव के बाद ही एक्चुअली इस इंजन के परफॉर्मेंस का पता चलेगा, नेक्स्ट वीक है मेरी। हाँ, क्योंकि क्रेटा में भी ये 1.4 लीटर का इंजन अंडर पावर फील नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, वो कई बार अच्छे अच्छों को छका देता है। हाँ, सो ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्राइसिंग के बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक यूनिट की, तो अब मजा थोड़ा सा देखने वाला होगा। ऑटोमेटिक में भी समस्या ये है कि बाकी जितने भी ऑटोमेटिक उनमें सिर्फ एक ही के पास जेन्युइन ऑटोमेटिक है, EcoSport। EcoSport बाकी XUV, सब तो AMT है, AMT है बाकी सब, क्या दो ही है बस Nexon और Brezza, हम ऑटोमेटिक मैं ऑटोमेटिक नहीं कहता, बाकी सब लोग तो ऑटोमेटिक कहते हैं, नहीं वो है भी नहीं सर ऑटोमेटिक। Nexon का यहाँ पर ऑटोमेटिक पड़ रहा है 7.64 लाख रुपीस, जो कि 1.5 लाख रुपए सस्ता है, AMT यूनिटी है तो 1.5 लाख रुपए वाजिब भी है सर, इतना सस्ता होगा। AMT पेट्रोल होगा, AMT का मुकाबला ओरिजिनल ट्रांसमिशन सिस्टम ओरिजिनल ऑटोमेटिक से नहीं कर सकते आप। अगर मैं यहाँ पर देखूँ EcoSport का जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पड़ रहा है वो 9.77 लाख रुपीस का, एंड Venue का 9.34 लाख रुपीस का, उसमें ट्रेंड वेरिएंट है और इसमें एस वेरिएंट है, दोनों की सेकंड वेरिएंट है, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 43,000 रुपए सस्ता है Venue का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि एडवांस्ड भी है, बट ऑन द अदर हैंड आपको EcoSport में पैडल शिफ्ट्स मिल जाते हैं, तो ये भी अच्छी चीज है EcoSport में। सो प्राइसिंग को देखे मद्देनजर देखते हुए तो मुझे तो बहुत सही डील लग रही है, एंड मेरे ख्याल में इस सेगमेंट की अब प्रीमियम हैचबैक्स को ना कंसिडर करके लोग SUVs की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि Baleno का या i20 का तो उनका सेकेंड वेरियंट इसके बेस वेरियंट के लगभग ओवरलैप कर रहा है।
एक अच्छी चीज ये थी कि वेन्यू की बेस वेरिएंट की प्राइस तो काफी कम है, लेकिन जो मिड और जो सबसे अच्छा वेरिएंट माना जा रहा है, जो से एस कहते हैं या आपका टॉप वेरिएंट, ये दो बड़े अच्छे वेरिएंट है, इन दोनों की प्राइसिंग भी दूसरे मॉडलों के मुकाबले काफी मतलब अच्छी कंडीशन है। दूसरी एक वजह है, देखिए ये काफी बेहतर चीजों के साथ भी आई है। देखिए आपको ब्रेजा में कभी 6 एयरबैग नहीं मिलते, नहीं मिलेंगे, नेक्सॉन में कभी 6 एयरबैग नहीं मिलेंगे, चाहे टॉप के बाप ले लो। ब्लू लिंक कनेक्टिविटी सर, वो इतनी ब्लू लिंक आपको मिलती है, स्पीड लिमिटिंग जैसी चीजें, सब कुछ आपको उसके भीतर मिलता है। इमरजेंसी कंडीशन पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस जैसी कार के साथ में। 6 एयरबैग जैसे फीचर्स मिल रहे हैं, ब्रेक असिस्ट भी मिल रहा है, हिल लॉन्च हिल असिस्ट, ये सारे फीचर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें जो है वो सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए तो ये एक बहुत अच्छा पैकेज, बहुत अच्छा साबित है। हिल असिस्ट नहीं है, हिल असिस्ट है, वेन्यू में है, हाँ वेन्यू में है, बाकी किसी में नहीं है, ब्रेजा में नहीं है और WRV में नहीं है। ये सारे फीचर्स काफी बेहतर उसे बनाते हैं ऑप्शन में। तो फिलहाल अगर आप लोग ये कंसीडर करना चाहते हैं, ये मेरे नजर में एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है, एंड आप क्या कह सकते हैं कंसीडर भाई? मेरे हिसाब से तो ये अच्छी चॉइस दिख रही है। अब रही बात ड्राइव कैसी होगी, मैं अगले हफ्ते ड्राइव कर रहा हूँ, तो अगले हफ्ते मैं उससे पहले कर लूंगा वैसे। अच्छी बात है, क्योंकि मैं ड्राइव के लिए बाहर जा रहा हूँ, आपको इत्तेफाक से यहीं पे सुविधा उपलब्ध है, और मुझे ये मालूम है कि BCT ऑप्शन अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, ये उम्मीद है, और डीजल की परफॉर्मेंस शायद बाकी जो ऑप्शन जो फिगर्स में ज्यादा दिख रहे हैं उनसे बेहतर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हाँ वेट के मामले में भी ये लाइटर फील करती है जिस तरीके से वेन्यू लाइट फील करती है, क्योंकि वेन्यू 69% हाई स्ट्रेंथ स्टील को मैनेज कर रही है, जबकि कोई और 69% नहीं लेके चल रही है, ब्रेजा हो या आपकी नेक्सॉन हो, ये हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं कर रहे हैं। सो पावर टू वेट एंड टॉर्क टू वेट रेशियो जो है वो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करेगा। बाकी तो ये सब चीजें हमने अपनी अपनी तरफ से एक्सप्रेस कर दी है, एंड दिस इज अ वर्थ कार, आप जा सकते हैं बिल्कुल। एंड कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड वेन्यू की प्राइसिंग ने आपको लिटरली इम्प्रेस किया कि नहीं किया। सो मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ में, अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।